देखिए, ये ऑक्सीजन टैंकर हमारे इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए संजीवनी बन के आया है। आज रिलायंस का ये 60 टन का ऑक्सीजन टैंकर यहाँ आया है, और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। कैसे देखते हैं कि अब इससे आपूर्ति होगी, जो जिस तरह की भगदड़ मच रही थी, काफी पैनिक भी थी, कितनी लोग परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन से कितनी मददगार था? बहुत हम मैं जैसे कह रहा हूँ कि इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ये ऑक्सीजन टैंकर संजीवनी बन के आया है। रिलायंस ने और हमारे महासचिव जी ने, आदरणीय कैलाश जी ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, और हमारे सभी वरिष्ठों ने जो प्रयास करके इंदौर और मध्य प्रदेश को ये 60 टन ऑक्सीजन का जो रिलायंस से ये सिलेंडर्स आना चालू हुए हैं, लिक्विड ऑक्सीजन आना चालू हुई है, निश्चित तौर पे इंदौर में वो ये जो कोरोना का अभी कुछ समय से आप देख रहे थे, 1-2-4 दिन में ऑक्सीजन को लेके जो थोड़ा सा तनाव था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। कैलाश जी को कितना धन्यवाद देंगे इसके लिए? क्या इंदौर की जनता हृदय से धन्यवाद करती है सभी। ये रिलायंस का आया है, सुनो, ये जामनगर से आया, वाक्य में मैं इंदौर वासियों की तरफ से रिलायंस के हर व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। एक संकट के समय ये ऑक्सीजन जो आई है, वाक्य में हमको एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। महासचिव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए धन्यवाद दूंगा, उनका शहर है, उनका मध्य प्रदेश है कैलाश जी का। ये कितना कितना है ऑक्सीजन? ये 60 टन है, 60 टन प्रतिदिन, उन्होंने कहा है कि 100 टन आएगी प्रतिदिन, ठीक है ना? अच्छा, बहुत बहुत